एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और केजरीवाल पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कोरोना के समय जनता हॉस्पिटल में थी और उनके परिजन ऑक्सीजन के लिए जगह जगह भटक रहे थे, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर को रेनोवेट करवा रहे थे और जनता का पैसा उसमें बर्बाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के नाम से तो ईमानदारी भी शर्मिंदा है। गृह मंत्री ने कमलनाथ को लेकर कहा कि कमलनाथ और उनके युवराज नकुल ने कभी हल नहीं पकड़ा होगा, फिर भी वो किसानी करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए खुलासे को लेकर कहा कि कोरोना काल के जिस दौर में दिल्ली की जनता जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उन्हें अस्पताल में ना ऑक्सीजन मिल रही थी ना उचित दवाइयाँ, उस समय ये महाशय अपने घर पर लाखों के पर्दे लगवा रहे थे और जनता के पैसे यूं ही बर्बाद कर रहे थे। इन्हें चिंता नहीं थी कि जनता का उस समय क्या हाल हो रहा था, इन्हें तो सिर्फ अपने बंगले की चिंता थी। इनका ये कैसा चरित्र है ये देश आज देख रहा है। ये लोग तो भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करके आए थे, लेकिन आज तो इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े मंत्री जेल में हैं। इनके नाम से तो ईमानदारी भी शर्मिंदा हो रही है। पुरानी कहावत है कि जब रोग जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल जी की वाल पर पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं तो उनके बस के इंतजाम करें, उन्हें चिंता बंगले की थी। ये बंगले पे आप उनका बाइट में आप सबको सुनाना चाहता हूं, ये जो बाइट उन्होंने दी है और उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं, कितने पलटू राम है, ये सोचे कि वो जो बाइट है उनकी, उस बाइट के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बंगले छोड़ रहा हूँ। ये बाइट है, इसमें कह रहे हैं वो एक पॉइंट पे ये आपने सुना होगा कैसा चरित्र है इनका, ये देश आज देख रहा है। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पे आई थी, इसके उप मुख्यमंत्री से लेकर इस पार्टी के आधा दर्जन मंत्री जेल में। कैसे केजरीवाल जी हैं, इनका चरित्र आप देख लीजिए, चाल देख लीजिए और चेहरा देख लीजिए। सीएम बनते ही सुरक्षा व्यवस्था हटाने की बात करी थी, ईमानदारी की कसम खाई, आधा दर्जन जेल में है, बंगले की सुविधा नहीं लेंगे। मैंने आपको सुनाया वो सारी की सारी सुविधाएं इन्होंने ले ली। अब इससे केजरीवाल जी के नाम से ईमानदारी भी शर्मिंदा हो रही है। ऐसा व्यक्ति है ये, इसका चाल चलित चेहरा अब सामने आ रहा है धीरे धीरे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि नाथ और उनके बेटे को ही नहीं पता हुआ कि चने का पौधा होता है या पेड़। ये लोग सोने का मुंह में चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और किसान की बात कर रहे हैं। इन्होंने 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन एक भी किसान का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया और पता नहीं कहा कि 20,000 की रसीद दिखा दी। इन्होंने कभी खेतों में हल नहीं चलाया होगा, फिर भी ताज्जुब की बात है ये किसानों की बात कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के परखच्चे उड़ने वाले हैं, इनके नेता अलग अलग भाग रहे हैं। आप ही सोचिए उस वक्त का क्या होगा जिसके घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हों। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचम्मा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल दें। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते कि विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया। अरे आपने जो कहा था लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ।
किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंभा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहे या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।